चले बेटा बेटा गुड आफ्टरनून बेटा गुड आफ्टरनून। ठीक है बेटा सब बच्चे? चलिए तो हमने चर्चा हमारे पास जो चल रही थी वो चल रही थी रिलेटिंग टू, बोलो बेटा। मैंने ये बताया आपको कि हमारे पास दो थ्योरम्स हैं, हमारे पास दो थ्योरम्स हैं जो कवर करनी है, एडिशनल थ्योरम एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। एडिशनल थ्योरम बताएगी मुझे ए और बी निकाल के, ए और बी कह लीजिए या ए यूनियन बी, और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बताएगी ए एंड बी यानी ए इंटरसेक्शन बी निकालकर। अब पहले मैंने एडिशनल थ्योरम की बात शुरू की, मैंने कहा ए और बी निकालना है, तो ए और बी का फॉर्मूला क्या रहेगा ये निर्भर करेगा इस बात के ऊपर कि वेदर द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, सॉरी इफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तब तो ये बड़ा सिंपल से फॉर्मूले हैं। ए और बी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसी का एक्सटेंशन ए और बी और सी निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन इफ द इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो ए और बी का ये फॉर्मूला हो जाएगा, ए और बी और सी का ये पूरा फॉर्मूला हो जाएगा। ये सारी बातें बेकार हैं वैसे तो, ये सारी बातें आप अपने आप डिराइव कर पाएंगे, लिखवा तो दिया मैंने ठीक। अब जो मैं आपके साथ मेहनत करूंगा वो ये कि ये सारे फॉर्मूले आप खुद से बना पाओ, ठीक। ध्यान से समझना शुरू करिए, उसको आगे कंटिन्यू करने से पहले वी शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। सुनिए सुनिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं? ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, अब समझ में आ रहा? अच्छा कोई एक्सपेरिमेंट किया हमने, उसमें से दो या दो से ज्यादा इवेंट प्रोड्यूस हुए, तो उन इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कह देंगे अगर इफ दे कैन नॉट अकर टुगेदर, अगर वो एक साथ नहीं हो सकते, अगर वो एक साथ नहीं हो सकते तो दीज आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्या कहा मैंने फिर सुनिए, अभी बाद में लिखेंगे इसको, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। बताना बेटा, एक कॉइन टॉस किया, हेड टेल इवेंट है कि नहीं है? दो ये, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं या नहीं है? yes, सवाल पूछो, शब्दों में मत फंसो। इसका सरल शब्दों में क्या मतलब बताया मैंने? जो बोलो एक साथ नहीं, हो सकते हैं। बेटा समझ में आ रहा है? सवाल पूछो खुद से, क्या ये दोनों इवेंट, आपने सिक्का उछाला, आपको हेड भी दिख रहा है टेल भी दिख रहा है, क्या ऐसा हो सकता है? बोलो बेटा, अगर है तो आंख का इलाज कराओ, कभी नहीं हो सकता ऐसा। बोलो बेटा, तो क्या हो गए?
दीज आर क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं? आंसर इज यस। ये एक साथ नहीं हो सकते म्यूचुअली, मैं फिर बोल रहा हूँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या? एक साथ नहीं हो सकते। आगे आओ, अ डाइस इज रोल्ड, इवन नंबर या फाइव, ये बताओ दो इवेंट हैं कि नहीं है? मैंने पूछा डाइस रोल किया, इवेंट इवन आ जाए, डाइस रोल किया फाइव आ जाए, ये दो इवेंट हैं या नहीं है? क्या ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? इससे समझ नहीं आ रहा, सरल शब्दों में क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? आंसर इज नो। तो इसका मतलब क्या हो गई? ये यस हो गए। बेटा समझ में आ रहा है? और सुनिए, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, ब्लैक कार्ड या हार्ट कार्ड, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? कैन नॉट हैपन टुगेदर, कैन नॉट अकर टुगेदर, तो यस ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अ डाइस इज रोल्ड मल्टीपल ऑफ टू, मल्टीपल ऑफ थ्री, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? हो सकते हैं। दीज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर सिक्स आ जाए तो वो टू का भी मल्टीपल है। बोलो बेटा, अगर सिक्स आ गया डाइस पर तो आपको दोनों चीज दिखनी शुरू हो जाएंगी कि नहीं होंगी? मल्टीपल ऑफ टू भी दिख रहा है और मल्टीपल ऑफ थ्री भी दिख रहा है। बेटा बोलो है कि नहीं है? तो दीज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो अगर इवेंट्स, चलो और देखते हैं, ब्लैक कार्ड, एस कार्ड, ब्लैक कार्ड, एस कार्ड, आपने कार्ड निकाला, सवाल पूछो खुद से, क्या ऐसा हो सकता है इक्का भी दिख रहा है और ब्लैक भी दिख रहा है? हाँ, दोनों एक साथ हो सकते हैं, दोनों एक साथ हो सकते हैं। तो क्या हो गई ये? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। बेटा ठीक है ना? स्पेड कार्ड या फिर किंग कार्ड, बेटा एक साथ हो सकते हैं क्या? हाँ हो सकता है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गए? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। चलिए, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये मैंने एक वर्ड बताया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब जरा और देखिए, मैंने आपसे ये कहा ए और बी, इसको मैं डायग्राम से समझा रहा हूं, और मैंने इसमें बोल दिया आपसे ए बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इस पर टिप्पणी करिए, क्या कहना चाहोगे? ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पहले हिंदी करो, हिंदी का मतलब क्या हुआ? ए और बी एक साथ नहीं हो सकते। जब एक साथ नहीं हो सकते तो ये कितना हो जाएगा? जीरो होगा कि नहीं होगा? बेटा बोलो ना, ये कितना हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी कह लो या ए एंड बी कह लो, ये जीरो हो जाएगा कि नहीं होगा? हाँ भाई, बिकॉज दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये एक साथ हो ही नहीं सकते। अच्छा, एक साथ नहीं हो सकते तो अब ये बताओ, इसी से देखकर, सिंस दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जरा बताइए, मैं आपसे फॉर्मूला भूल जाना, ए और बी पूछ रहा हूं, ए और बी कैसे निकालोगे? बोलो बेटा, ए और बी कैसे निकालोगे? भाई ए जोड़ दूं और साथ में बी जोड़ दूं? बोलो बेटा,
ये ओवरलैपिंग तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। एक्चुअल में इसका अगर डायग्राम बनाओगे तो राइट डायग्राम तो ये है इसका, ए अलग जा रहा है, बी अलग जा रहा है, कुछ भी ओवरलैपिंग नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब अगर ए और बी पूछ लिया मैंने तो ए और बी कैसे आएगा? ए ऐड कर दो और बी ऐड कर दो, यहां तक की बात ठीक है। सिमिलरली अगर यहां पर तीन होते म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ए बी सी, ये ट्रू प्रेजेंटेशन होती कि नहीं होती? क्योंकि अगर आप ऐसे बनाओगे भी तो ये सारा कितना है, ये सब जीरो है कि नहीं है? कुछ भी तो कॉमन नहीं है इनमें। तो बताओ जरा ए और बी और सी कैसे निकालोगे, ये होगा कि नहीं होगा? मैं आपको सिर्फ डेरिवेशंस बता रहा हूं, कैसे भी दिमाग में घुसे। और ये सिर्फ ये फॉर्मूले वाली बात नहीं है, मैं वेन डायग्राम से कोरिलेट कर रहा हूं, जिससे जब भी क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में वेन डायग्राम भी चलना चाहिए। यहां तक की बात ठीक है? बोलो बेटा यही तो लिखा है मैंने, फिर नई बात क्या लिखी है? ये देखो, ये पढ़ो, इफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या बताया था? एक साथ नहीं हो सकते। तो ए और बी क्या हो जाएगा? ए और बी। ए और बी और सी क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी? ए की, बी की और सी की प्रोबेबिलिटी, तीनों ऐड कर दो। लेकिन अगर ए एंड बी, ए बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? कुछ ना कुछ वैल्यू तो है, बिकॉज जब मैं बोल रहा हूं आर नॉट ओवर, आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसको मैं ऐसे बोल दूं क्या सरल शब्दों में? ओवरलैपिंग एलिमेंट्स, कुछ ना कुछ कॉमन है उनमें, एक साथ हो सकते हैं। ऐसा कुछ कुछ ऐसी संभावनाएं बनेंगी, कुछ ऐसा एरिया जरूर होगा जब ए भी दिखेगा आपको और बी भी दिखेगा। जैसे किंग कार्ड, ब्लैक कार्ड, बताओ किंग कितने होते हैं? बोलो बेटा कितने होते हैं? चार। और ब्लैक कितने होते हैं? 26 हैं कि नहीं है? लेकिन कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो ब्लैक भी हैं और किंग भी हैं, कितने? ये दो कार्ड ऐसे दिखने शुरू हो गए आपको जो काले भी हैं और किंग भी हैं, ब्लैक किंग हैं। यानी अगर मैं ये पूछ लूं आपसे, अगर मैं पूछ लूं आपसे ओनली ब्लैक कार्ड एंड नॉट अ किंग कार्ड, बोलो बेटा कितने दिख रहे हैं आपको? 26 तो ब्लैक हैं, उसमें से अगर दो हटा दूं तो ये 24 को किस नाम से बुलाओगे? 24 को नाम दो, क्या बोलोगे? ब्लैक कार्ड विच इज नॉट अ किंग के अलावा जितने ब्लैक हैं। और ये दो कार्ड कौन से हो गए? बोलो फटाफट से। हाँ जी, ये हो गए किंग कार्ड विच इज नॉट ब्लैक, बोलो बेटा, या रेड किंग कह लो, एक ही बात है कि नहीं है? अब मैंने आपसे पूछ लिया यहां पर कि मुझे तो भाई ए और बी बताओ, कैसे बताओगे? किंग आ जाए तो भी चलेगा, ब्लैक आ जाए तो भी चलेगा, दोनों आ जाए तो भी चलेगा, क्या करें? क्या करें सर? वही करते हैं ना पहले वाला काम ही। कौन सा बेटा? सर पूरा ए जोड़ देते हैं और पूरा बी जोड़ दिया। चलो ठीक है बेटा, आप कह रहे हो तो कर लेते हैं। ए प्लस बी कर दिया, प्रॉब्लम क्या है? आपको एक प्रॉब्लम दिख रही है क्या? क्या इंटरसेक्शन, क्या करूं इंटरसेक्शन का भाई? ओवरलैपिंग है मुझे मालूम है, तो क्या? क्यों माइनस? माइनस क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में लिखा हुआ है। नहीं, सुनो ध्यान से,
असल में जब आपने बी जोड़ा तो ये पूरा एरिया जोड़ दिया, बोलो हाँ। जब आपने ए जोड़ा तो ये पूरा एरिया जोड़ दिया, बोलो हाँ। ओ माय गॉड, एक एरिया दो बार जुड़ गया कि नहीं जुड़ा? बेटा हाँ बोलो, दो बार जुड़ गया। कौन सा एरिया? ए इंटरसेक्शन। तो अब इसे काम करते हैं, माइनस कर देते हैं। क्लियर है बात? मैं कह रहा हूं अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, इफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तब भी ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। बोलो हां, मैंने अब भी ये फॉर्मूला लिख दिया। क्या मैंने ठीक लिखा? क्यों? ये तो ऑटोमेटिकली भाई जीरो हो जाएगा ना, तो ये ही तो बच गया। यूनिवर्सल फॉर्मूला तो यही है, ए और बी आज के बाद जब भी निकालना है आप क्या लिखोगे? बोलो क्या लिखोगे? ए, बोलो बेटा, ए प्लस बी माइनस। अब अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो ए एंड बी तो अपने आप ही जीरो होगा। बेटा बोलो, ये बोल रहा हूं मैं आपसे कि ये फॉर्मूला क्या है ए और बी का, ए प्लस बी माइनस ए एंड बी कर दो, ये ए एंड बी तो अपने आप ही जीरो है कि नहीं है? सो दैट इज द मेन लॉजिक बिहाइंड दिस फॉर्मूला। ये लो बेटा, ये नोट सबने कर लिया था ना? ये सबने नोट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है? ठीक, तो अब एक काम करिए, अब इसके बाद लिखिए नोट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स लिखिए। लिखें टू और मोर इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इफ दे कैन नॉट अकर टुगेदर, इफ दे कैन नॉट अकर टुगेदर, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और ओवरलैपिंग इवेंट्स, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और ओवरलैपिंग इवेंट्स टू और मोर इवेंट्स आर कॉल्ड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और ओवरलैपिंग इवेंट्स इफ दे कैन अकर टुगेदर, कैन कैनॉट। लो जी नोट करो, रन आउट कर लिया सबने क्या?
बताइए, हेड टेल, इवन नंबर या फाइव नंबर, वो एग्जांपल जो थे। रेड कार्ड, एस कार्ड, ब्लैक कार्ड, स्पेड कार्ड, जैक कार्ड, डायमंड कार्ड। मल्टीपल ऑफ फाइव, मोर देन फोर, मल्टीपल ऑफ टू, मल्टीपल ऑफ थ्री। चलिए जी, सर लिख के बताओ इसके आगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नॉट नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, जरा फटाफट से बताइए। यहां पर जी हेड टेल बताइए बेटा। बेटा इवेंट दिए हुए हैं, कॉइन टॉस किया, हेड आ जाए टेल आ जाए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं है। बेटा कितना शांत पड़ा हुआ है। यस, दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये बताओ बेटा फिर से, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ये बताओ, रेड कार्ड एस कार्ड दोनों एक साथ हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं, यानी ओवरलैपिंग बोल देते हैं इसको, ओवरलैपिंग इवेंट्स। ब्लैक कार्ड स्पेड कार्ड बोलो, ओवरलैपिंग दोनों एक साथ हो सकते हैं। जैक कार्ड डायमंड कार्ड, ओवरलैपिंग इवेंट्स दोनों एक साथ हो सकते हैं। मोर देन फाइव या मोर, सॉरी मल्टीपल ऑफ फाइव और मोर देन फोर, बोलो बेटा हो सकता है। अगर पांच आ गया तो वो मल्टीपल ऑफ फाइव भी है और मोर देन फोर भी है, और ये भी बता चुका था दिस इज अगेन एन ओवरलैपिंग इवेंट। करिए नोट फटाफट से, एग्जांपल एक ही इवेंट्स पढ़ने बताएं कि कौन से हैं। लिखे इसी में लिखिए, कर लो, चलो बोलिए। Thank you.
एसी में बेटा आगे, अभी और काम करेंगे पहले एसी पर। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ Above events, पहला केस क्या था बेटा बताओ, क्या था पहला केस? ये सात, सातों की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। What is the probability of पहला head or tail? मदद कराओ मेरी, आओ फॉर्मूला ये लिख देते हैं जो पता है मुझे। Probability of head plus probability of tail माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल, जनरल फॉर्मूला। मैं छोड़ो ना, हमें छोड़ो यार, क्या म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है नहीं है छोड़ो, जनरल फॉर्मूला चिपका दिया मैंने। अब मुझे बताओ हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बोलो। टेल की कितनी? दोनों हो जाएं, ओहो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे, कोई बात नहीं हम जीरो लिख देंगे। आंसर कितना आ गया? वन। दिस इज अ श्योर इवेंट। करो बाकी सारे फटाफट से, करो फटाफट सारे, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, बढ़िया पार्ट से मजा आएंगे, करो यही फॉर्मूला लगाकर करिए। इवन नंबर और फाइव, बताओ बेटा क्या होगा? सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर और फाइव, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन एंड फाइव। इवन कितना? थ्री बाय सिक्स। फाइव की प्रोबेबिलिटी कितनी? इवन भी हो और फाइव भी हो कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी ना होगा कि डाइस पर आपको इवन भी दिख रहा है और फाइव भी दिख रहा है, क्योंकि फाइव इज ऑड नंबर, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। आंसर कितना आ गया बोलो बेटा? फोर बाय सिक्स। थर्ड पार्ट, रेड कार्ड और एस कार्ड, रेड और एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पे एस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड एस, रेड एंड एस, बताओ बेटा आंसर। रेड की बताओ पहले तो, एस की बताओ, रेड भी हो एंड एस भी हो सकता है क्या? बोलो बेटा, लाल भी हो और इक्का भी हो, दो पत्ते होते तो हैं, तो माइनस कर दिया 2/52, आंसर इज 28/52। करो बाकी पार्ट, तीन कर दिए मैंने आपके लिए, चार पांच छह सात, फटाफट करिए। करें बेटा जरा, बाकी पार्ट्स फटाफट से ट्राई करिए। Thank you.
जी, ब्लैक कार्ड और स्पेड कार्ड, ब्लैक और स्पेड। बेटा ब्लैक की प्रोबेबिलिटी बताओ, स्पेड की बताओ। ब्लैक और स्पेड दोनों हो, नहीं, ब्लैक और स्पेड दोनों हो, जल्दी बोलो बेटा। 13/52 आंसर कितना हो गया? अगले पार्ट पर आइए बेटा। क्या था जरा पढ़ के बताना? जैक और डायमंड। जैक कार्ड, सीधा लिखते हैं आंसर। जैक की बताइए कितनी प्रोबेबिलिटी है, डायमंड की कितनी है? जैक डायमंड की कितनी है? जैक भी हो डायमंड भी हो, कितने बेटा ऐसे? एक। आंसर कितना हो गया? फोर्थ ना, क्या था बेटा नेक्स्ट? मल्टीपल ऑफ फाइव या मोर देन फोर। मल्टीपल ऑफ फाइव की कितनी प्रोबेबिलिटी रहेगी? 1/6। मोर देन फोर की 2/6। दोनों की 1/6। आंसर इज 2/6। लास्ट पर आइए। मल्टीपल ऑफ टू या मल्टीपल ऑफ थ्री। टू थ्री इज वन, सॉरी 2/6 माइनस 1/6, कितना हुआ आंसर? इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलिए इतना करें आज, इसके बाद होमवर्क में करके लाएंगे क्वेश्चंस आप अब मेरे लिए। स्टार्टिंग फ्रॉम, कुछ हो जाएंगे कुछ नहीं होंगे, 14 से 23 कराऊंगा सारे क्लास में। कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे कुछ नहीं होंगे, विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस इन द क्लास। करके आइए इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर, इसके आगे फिर मल्टीप्लीकेशन थ्योरम विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है बेटा, आज की चर्चा समाप्त। धन्यवाद, बाय बाय।